अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा ये पिंकिश ग्लिटरी लुक मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। मेरे आई शेड्स कौन से हैं, लिपस्टिक कौन सी है, डाई कलर कौन सा है, ये आपको वीडियो में पता चलेगा। और मेरा मेकअप कैसा है और मैंने कैसे क्रिएट किया है ये भी आप वीडियो में देख के बताइएगा। मेरा डाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ मैक का 01 कंसीलर। कंसीलर आपकी डार्क स्पॉट्स, अंडर आई, डार्क सर्कल्स के लिए होता है, जो आपके डार्क सर्कल्स को कवर करता है। जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लॉकेज, पिगमेंटेशन, जहाँ जहाँ आपको फील हो वहाँ पर आप कंसीलर अप्लाई कर लें। अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ लगाऊंगी इन्फ्लेबल की फाउंडेशन, जिसका कलर है पोर्सलीन। पहले मैं इसको ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे नीड है। वैसे तो पूरे फेस पे ही नीड होती है फाउंडेशन की। मैंने इसको ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसको स्पंज से अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। स्पंज हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके पूरे फेस पे फाउंडेशन अच्छी तरह कवर हो जाए। अब मैंने यहाँ लिया है लक्ष्यस का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। इसको मैंने अच्छी तरह स्प्रे कर लिया है ताकि मेरी फाउंडेशन बैठ जाए। यहाँ मैं ले रही हूँ न्यूट का पैलेट, जिसका मैंने कलर लिया है ऑरेंज सीक्रेट। ये बहुत प्यारा कलर है, थोड़ा ऑरेंज शेड में है। इससे मैं अपनी आई की क्रीज बना लूँगी। मेरी बहुत सी वीडियोज़ में आपने देखा होगा मैं हमेशा पहले आई की क्रीज क्रिएट करती हूँ। आई की क्रीज इसलिए क्रिएट करते हैं कि मेकअप जब आप फाउंडेशन लगाएं तो बहुत अच्छी आई शेड्स बने। अब मैं ले रही हूँ डार्क कलर रॉ। ये थोड़ा मरूनिश शेड है जिसको मैं आई के एंड कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, बिल्कुल कॉर्नर पे। पहले ब्रश से अप्लाई कर लूँगी, फिर उसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद, क्योंकि जो क्रीज बनती है ना ब्लेंडिंग के बाद, वो बहुत खूबसूरत लुक देती है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे लव बाइट। पैलेट में से मैंने लिया है लव बाइट, उसको मैंने अप्लाई किया है पहले ब्रश से और फिर मैं उसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड करूँगी। क्रीज बनाने के बाद आई के कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया है। अब मैं ले रही हूँ अपने नेकेड पैलेट में से ब्लैक स्मोकी कलर, जो मैं बिल्कुल आई के बिल्कुल एंड कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। पहले मैं उसको ब्रश से अप्लाई कर दूँगी क्योंकि मुझे अपनी आई की स्मोकी लुक देनी है, पिंकिश स्मोकी लुक, तो मैं ये ब्लैक कलर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इसको मैंने पहले अप्लाई कर लिया बिल्कुल एंड कॉर्नर पे, बिल्कुल एंड कॉर्नर पे मैंने अप्लाई कर लिया इसको। अब मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटा ब्रश भी ले सकते हैं और मैंने ये बड़ा ब्रश लिया है ताकि मेरी ब्लेंडिंग अच्छी हो जाए। मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, जो मैं अपनी आई पे अप्लाई करूँगी और इसकी शेप बनाऊँगी। आप देखें मैं बहुत स्मूथली अप्लाई करूँगी और मैं किस तरह इसकी क्रीज बनाऊँगी आप खुद देखेंगे। लोअर आई पे भी अप्लाई कर लिया मैंने और आई के कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लिया और मैं इसको ब्लेंड करूँगी ताकि जो मेरी आईज़ की शेप है ना, जो शेप मुझे चाहिए वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ अपने न्यूड पैलेट में से रॉड कलर ले रही हूँ, जो मैं अपनी लोअर आई पे अप्लाई करूँगी और उसको ऊपर का जो आई शेड मैंने अप्लाई किया उसके साथ मिक्स कर दूँगी ताकि मेरी आई की एक लुक क्रिएट हो जाए। जो बड़ी आईज़ मुझे चाहिए हैं वो नीचे अप्लाई करने से बनेंगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ ग्लिटरी आई शेड्स, जो मैं अपनी आई के कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी, स्टार्टिंग कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। बहुत मज़ेदार ग्लिटरी आई शेड्स हैं ये। मैंने इसमें लिया है ग्लिटरी लुक ओल्ड बेज। ओल्ड बेज मैंने कलर लिया है जो मैं आई के स्टार्ट पे अप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया है अपने न्यूड पैलेट में से शिमरी कलर, जिसका नाम है क्रेव। क्रेव मैं अपनी फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो मैंने ग्लिटर आईलाइनर लगाया था, आई शेड लगाए थे, वो स्टिकी रहे। विंग लाइनर ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ हुदा पैलेट का कैप्री कलर, जो आँखों के अंदर मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि इससे आँख बड़ी लगे और थोड़ी ग्लॉसी लुक आए। विंग लाइनर ब्रश से मैंने अप्लाई किया है। न्यूड पैलेट का मैंने ले लिया है लव बाइट। डार्क कलर शेड है, मरून शेड है और मैं पेंसिल ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ आई के नीचे, लोअर आई पे, और फिर मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी अपर आई पे भी, बिल्कुल एंड कॉर्नर पे मैं अप्लाई करूँगी। बहुत थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद जो शेप आई है ना, अब मैं अपने छोटे मिनी
स्पंज से इसको फेस पाउडर लेके जो जो मैंने क्रीज अप्लाई बनानी है वो मैं साफ़ कर लूँगी। मिनी स्पंज से आप जो ये फेस पाउडर से साफ़ करेंगे तो आपकी जो आई लुक आएगी ना वो थोड़ी इन्हांस होगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ बॉर्जेस का आईलाइनर और बहुत अच्छी इसकी कवरेज है, पेंसिल स्टाइल इसका लाइन है और निब भी बहुत अच्छी है। आईलाइनर पहले मैं अप्लाई करूँगी, इसके बाद मैं आईलैशेस अप्लाई करूँगी, और आईलाइनर पहले मैं हाफ अप्लाई करूँगी ताकि मेरी आईलैशेस फिक्स हो जाएं। नेकेड का मैं डार्क शेड लूँगी ताकि मैं आईब्रोज़ बना सकूँ, और मैं आईब्रोज़ बनाने के लिए मैंने लिया है ब्रो ब्रश। इससे आपकी आईब्रोज़ बहुत अच्छी शेप में आती हैं। पहले आप अपनी आईब्रोज़ पे डार्क कलर अप्लाई कर लें ब्रश से, और फिर पुली की मदद से इसको ब्रश कर लें, या फिर आप ब्रश से भी शेप दे सकते हैं। दा पैलेट का मैं सेंटोर्नी शेड लूँगी, सिल्वर मेटालिक शेड में है, मैं अपनी ब्रो बोन पे ही अप्लाई करूँगी विद पेंसिल ब्रश। पेंसिल ब्रश से आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा ये, अगर किसी और ब्रश से अप्लाई करेंगे तो वो इतनी अच्छी लुक नहीं देगा। आप मेरी आँख देख रहे हैं और मेरी आँख रेडी है, आई लैशेज मैं बाद में अप्लाई करूँगी। चलो जी, दूसरी आँख पे भी मेकअप हो गया, अब बारी है आई लैशेज की और मैं आई लैशेज अप्लाई कर रही हूँ। चलो जी, आई लैशेज भी लग गई। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया था अपना आई लाइनर, विंग आई लाइनर। पहले मैंने आई लाइनर लगा लिया था, फिर आई लैशेज के बाद मैंने विंग आई लाइनर कम्प्लीट किया था। अब मैं एसेंस का मस्कारा ले रही हूँ जो मैंने लोअर आई लैशेज पर भी अप्लाई किया है, और अपनी आर्टिफिशियल आई लैशेज पर भी हल्का सा अप्लाई किया है, बहुत थोड़ा सा। आप देख रहे हैं मेरी आँख कितनी मोटी बन गई है। अब मैं थोड़ा डार्क कलर लेके, ब्राउनजिंग कलर लेके अपनी नोज़ को कंटूर करूँगी, और उसके बाद अपनी चीक्स को भी शेप दूँगी। चीक्स को कंटूरिंग शेप देके मैं फिर इनको ब्लेंड करूँगी ब्रश से। हाउ टू कंटूर योर चीक्स की वीडियो आपने मेरी देखी हुई है, नहीं देखी हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको मैं अब ब्रश से ब्लेंड कर दूँगी, कंटूरिंग मेरी हो गई है और मैं इसको शेप दे रही हूँ। और अपनी चीक बोन्स को भी आप ज़रूर शेप दें ताकि आपका फेस थोड़ा पतला लगे, नोज़ पतली लगे। नोज़ को भी मैंने अच्छी तरह कंटूर कर लिया है और ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। दोनों साइड्स को मैंने अच्छी तरह पहले छोटे मिनी ब्रश से आई शेड अप्लाई कर लिया, और उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ब्लश ऑन अप्लाई करूँगी। छोटे छोटे ट्रिक्स से आप इजीली अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कि मेकअप पैलेट की यूज़ कैसे करना है या ब्रशेस को कैसे यूज़ करना है, और बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है आपका। अब मैं यहाँ ले रही हूँ कैंडी फ्लॉस का ब्लश ऑन, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, और मैंने अपनी सिस्टर वाली, जो मेरे सिस्टर ने मुझे कॉस्मेटिक भेजा था उसकी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जो लुक क्रिएट की थी, उसने मुझे जो किट भेजी थी, अपना बॉक्स भेजा था, उसमें ये ब्लश ऑन था। तो मैं ये ब्लश ऑन वो वाला उसका यूज़ कर रही हूँ ताकि फिर जब उसके कलर्स का, ब्लश ऑन के कलर्स का मुझे आइडिया हो जाए। अगर आपने मेरी वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मेरी सिस्टर ने मुझे कॉस्मेटिक सेंड किया था मेकअप ट्यूटोरियल के लिए। अच्छी तरह ब्लश ऑन मैंने अप्लाई कर लिया है हर जगह, फेस पे, चीक्स पे, नोज़ पे। अब मैं यहाँ ले रही हूँ गोल्डन रोज़ का शिमरी ब्रश, ये बेस्ट ब्रश है, बेस्ट। आपको फेस शिमर अप्लाई करना है, इस ब्रश में ऐड हुआ हुआ है, पीछे से प्रेस करें और अपने फेस पे अप्लाई कर लें। पूरे फेस पे अपने शिमर अप्लाई करना है। अब आपको वो जो होता है ना पैन में आता है उसकी टेंशन ही नहीं है। पूरे फेस पे मैंने फेस शिमर अप्लाई कर लिया, पाउडर शिमर ये है, देखें पीछे से मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ, पीछे से मैं प्रेस करती जा रही हूँ और ये निकलता जा रहा है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ क्लेजोना का लिप लाइनर, ये मैट है, ये क्लेजोना का 24 आवर्स मैट लिप ग्लॉस है, ठीक है, और इसका नंबर है 535। बेस्ट क्लेजोना का ये है, और ये 24 आवर्स मैट रहता है, बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता आपके लिप्स पे से, और ये बहुत ज़बरदस्त लिप ग्लॉस है। कलर मेरे आई शेड्स के हिसाब से मैंने लिया था, आईज़ मैंने हैवी कर ली थी तो मेरा दिल था कि मैं पिंकिश शेड में ना जाऊँ, ऑलरेडी मैंने बहुत पिंक कलर्स अप्लाई कर लिए थे अपनी वीडियो पे। अब मैं यहाँ लूँगी ग्लैमरस का थोड़ा न्यूड शेड मैंने लिया है, ताकि जो बहुत ऑरेंज ऑरेंज शेड हो गया था मेरे लिप्स पे वो थोड़ा डल हो जाए, क्योंकि मुझे डल लुक चाहिए थी लिप्स के लिए।
चलें जी, मेरा मेकअप रेडी है, बिल्कुल रेडी है। और अब मैं ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया, बाल भी मेरे बन गए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे हेयर स्टाइल कितनी अच्छा जल्दी लगा और हो। इजी लुक क्रिएट किया मैंने आपके लिए, हेयर स्टाइल भी बनाया मैंने, कर्ल्स मैंने थोड़े से ज़्यादा कर लिए थे। और जो लड़कियां मेरे बालों का कलर पूछ रही थी डीएम में, वो वीडियो देख लें, जो मैंने हेयर डाई किया था उसकी वीडियो देख लें जाके। और ये ट्यूटोरियल आपके लिए मैंने रेडी किया था। मैं सोच रही थी कौन सा बनाऊँ कौन सा बनाऊँ, तो मुझे ख्याल आया कि चलो आज पिंकी स्मोकी लुक क्रिएट करते हैं ग्लिटर के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, ग्लिटरी लुक। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा मेकअप कैसा लगा, मेरी ट्रिक्स कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है फहीम फैसल 25। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।